अलनफेस के बाद अब डीएचएफएल भी कंगाल हो सकती है। क्रिसिल, केयर और आईसीआरए जैसी एजेंसियों ने डीएचएफएल के समय पर कर्ज ना चुका पाने के बाद इसे डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया है। डीएचएफएल के मीडियम टर्म डेट म्यूचुअल फंड की नेट वैल्यू एक दिन में 50% से भी ज्यादा गिरी है। डीएचएफएल के दिवालिया होने से लोगों का 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा डूब सकता है। चार जून को DHFL प्रामेरिका म्यूचुअल फंड के डेट श्रेणी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के म्यूचुअल फंड की वैल्यू में ये गिरावट 50% तक भी पहुंच चुकी है। DHFL प्रामेरिका मीडियम टर्म फंड में 54.02% की गिरावट आई। DHFL प्रामेरिका फ्लोटिंग रेट में 44.24% की गिरावट आई। DHFL प्रामेरिका लो ड्यूरेशन फंड में 10.15% की गिरावट आई और DHFL प्रामेरिका शॉर्ट मैच्योरिटी फंड में 8.85% की गिरावट दर्ज की गई। डेट फंड बहुत ही सिक्योर माना जाता है, जिसमें न ज्यादा मुनाफा होता है और न ज्यादा घाटा। DHFL को 4 जून को अपने बॉन्ड होल्डर्स को उनके आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स का ब्याज चुकाना था, पर DHFL ब्याज चुकाने में असमर्थ रही, जिसका नतीजा है कि उनके म्यूचुअल फंड्स में बड़ी गिरावट आई। डिबेंचर ट्रस्ट डीड ऐसे में म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना ब्याज चुकाने के लिए 7 दिन की मोहलत देता है, जिसके बाद कंपनी को डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाता है। फिलहाल क्रिसिल, ICRA और केयर रेटिंग जैसी एजेंसियों ने DHFL को इंटरेस्ट पेमेंट डिफॉल्ट करने के दूसरे ही दिन डी यानी डिफॉल्टर की श्रेणी में डाल दिया है, जिस पर DHFL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल माधवन ने आश्चर्य जताया है। DHFL का एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले 2 साल में तेजी से घटा है। वित्त वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में DHFL प्रामेरिका म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 23,595 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में सिर्फ 7,627 करोड़ रुपए रह गया। ऐसे में अगर DHFL दिवालिया हो जाता है तो लोगों का 1,000 करोड़ रुपए डूब सकता है। DHFL फिलहाल निवेशक की तलाश में है जो उसके 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ब्याज चुकाने में मदद कर सके। DHFL के अलावा UTI बैंक और कई अन्य प्राइवेट बैंक के इंट्राडे प्रदर्शन में भी भारी गिरावट आई, क्योंकि उन्होंने DHFL का बॉन्ड खरीदा था। अगर DHFL इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाती है तो कई कंपनियों के साथ लोगों का भी पैसा सीधे तौर पर डूब सकता है, जिसे ILNFS जैसा क्राइसिस एक बार फिर पैदा हो सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।